जय हो, जय हो। आपकी यह जिज्ञासा है कि गुरुदेव हमारे कर्मों को कैसे बदलते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना होता है, और जब अपने किए हुए कर्मों का फल खुद को ही भोगना होता है तो भला गुरु कैसे बदल देंगे, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन इस सृष्टि का सत्य अनेकांत है। आप जिन कर्मों को करते हो आप अकेले नहीं करते। इस दुनिया में हर कर्म बंधन एक जॉइंट एडवेंचर है, एक ग्रुप टीम वर्क है। हर कार्य किसी न किसी व्यक्तियों के साथ जुड़ करके किया जाता है। इसीलिए हमने जिन लोगों के साथ कर्म बांधा हम उन लोगों के साथ कर्म भोगते हैं। जिनके साथ हमने ऋणानुबंध रखे हैं, लेन देन का भाव बाकी है, उन्हें लेन देन के अनुसार हम कर्मों का फल भोगते हैं। अब गुरु अगर जिंदगी में आ जाए तो पहली बात तो यह है कि क्या हमारी जिंदगी में गुरु है, क्या हमारी आस्था में गुरु तत्व है, क्या हमने अपने लाइफ में अपनी स्टेशनरी गुरु को माना है। गुरु हमारे लग्न में है, लग्न स्टेशनरी यानी हमारा फोकस गुरु पर है। अगर हमारा फोकस गुरु पर है, हर कार्य शुरू करने से पहले, कार्य के मध्य में, कार्य के अंत में गुरु हमारे भावों में सतत वास करता है। हम गुरु की आज्ञा में सारे काम करते हैं, हम गुरु को समर्पित होकर के सारे काम करते हैं, तो गुरु का तत्व, गुरु का अतिशय प्रभाव उस शिष्य के अंदर भक्ति और श्रद्धा होने की वजह से शिष्य में स्थान पा लेता है और शिष्य में गुरु तत्व फैलने लग जाता है। और जितना जितना शिष्य अपने भीतर गुरु को समाहित करता है उतना उतना गुरु उसके कर्मों को बदल पाता है। ये ठीक वैसे ही है कि किसान जितनी ज़्यादा जमीन खोज करके जितनी गहराई में बीजों को रोपित करता है उतना ही बीज धरती के साथ संबंध बना करके, धरती से पोषक तत्वों को खींच करके पौधा और वृक्ष बन पाता है। ये सारी प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अवैज्ञानिक तरीके से या यूं ही हो जाएगा, या अंधश्रद्धा या अंधविश्वास की बात है। यह अंधविश्वास नहीं है। अगर हमारे भीतर गुरु पहुंचा है तो गुरु हमारे भीतर जाकर के हमारे भावों में आ गया है तो हमारे भावों को बदल देता है, और भावों में भक्ति आने से अंदर के सारे रसायन बदल जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि कुएं के अंदर बाल्टी गिरी, लेकिन बाल्टी के साथ बंधी हुई रस्सी का एक सिरा गुरु के हाथ में आ गया तो गुरु पूरी बाल्टी को खींच लेगा, क्योंकि गुरु गुरु है, लघु नहीं है। उसमें पावर है, उसमें ताकत है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत गजब का है, उसका तेज बहुत गजब का है, उसकी चेतना बहुत स्ट्रांग है। अगर हमारी बाल्टी कितनी भी भारी हो, यानी हमारी चेतना कितने भी पाप कर्मों को कर चुकी हो, लेकिन रस्सी गुरु के हाथ में है या नहीं, सीरा गुरु के हाथ में है या नहीं, समर्पण गुरु का है या नहीं, गुरु को समर्पण किया हुआ है। और बड़ी गजब की बात है कि इस जन्म में नहीं किया, पहले भी किसी जन्म में कर रखा है। पहले किसी जन्म में भी आपने अपनी हाथ, अपनी डोर गुरु को पकड़ा रखी है, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए वाकई में खुद को समर्पित कर दिया है, तो वह गुरु तत्व आपके उस जन्म में किए गए प्रणाम का भी, उस जन्म में आपके द्वारा हुए समर्पण का भी, उस अनुबंध का भी ख्याल रखता है, और शिष्य की चेतना को तब भी बाहर खींच लेता है। क्या हुआ होगा अंगुली माल के साथ, अर्जुन माली के साथ, चंड कौशिक सर्प के साथ? केवल इसी जन्म की घटनाएं नहीं थी ये, पर्दे के पीछे झांक कर देखो तो पता लगेगा कि अंगुली माल ने ही कभी बुद्ध की चेतना का आह्वान किया होगा, कभी बुद्ध चलकर के अंगुली माल के सारे पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए उसकी जिंदगी में पहुंच जाते हैं।
तभी चंद कौशिक को उद्बोधित करने के लिए भगवान महावीर उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं। वह उसके सारे पाप कर्मों को क्षण में दूर कर देते हैं, उसकी दृष्टि को बदल देते हैं। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। तो गुरु को श्रद्धा और भाव से किया गया प्रणाम गुरु के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। गुरु जिन शिष्यों का प्रणाम लेता है, जिन शिष्यों की श्रद्धा लेता है, जिन शिष्यों का समर्पण लेता है, जिन शिष्यों की सेवा लेता है, वो उन शिष्यों की चेतना को ऊपर उठाने के लिए अनुबंधित हो जाता है। और शिष्य जिन भावना से गुरु को पुकारता है, गुरु तत्व उसकी भावना और कामना के अनुरूप उसको फलदायी बनता है। गुरु कर सकता है, सारे कर्म बदल सकता है, लेकिन तब ही संभव है जब शिष्य एक ऐसी जमीन बन जाए जिसमें गुरु का बीज रोपित हो सके। जय गुरु।